मितुश 11 अंधारी विरुद्ध गॅलेक्सी जोगेश्वरी जो सामना झाला तमाचा मानो तमाचा पण देऊयात. म्हणतात आपण यायचंय एक चेंडू तीन धावांची करत असताना त्या दावा खऱ्या अर्थानं सहा चेंडू तीन धावांची गरज होती. तिथून आपण पाहिलं एक चेंडू एक वर मॅच आणली आणि तिथून तो सामना जिंकून दिला. त्यामुळे मंथनला आपण देणार आहोत मान द मॅच. आणि खऱ्या अर्थानं आपण पाहिलं तर श्री स्पाय स्पोर्ट्सच्या वतीनं एक ब्रँड न्यू टी शर्ट मान द मॅचसाठी आणि श्री स्पाय स्पोर्ट्सचे सर्वे सर्व शैलेश पाटील यांना विनंती आपल्या शुभ हस्ते आपण ती टी शर्ट द्यायची आहे. श्री साई स्पोर्ट्स बी अ किंग ही त्यांची टॅगलाईन आहे. अंपायरचा ग्रीन सिग्नल, लेट्स प्ले गेम ऑन. सामन्याला सुरुवात मॅड इलेव्हन विक्रोली बनाम शुभमेट गंसोली के बीच मुकाबला. चार ओवर का मुकाबला और पहला ओवर और गेंदबाजी के लिए अब पहले ही ओवर में गेंदबाज संगम. संगम के साथ की शुरुआत इस ओवर की और ओपनिंग पर मैदान के अंदर स्ट्राइक पर वीरा और विद्यु नौ स्ट्राइक पर चौके के साथ की शुरुआत. शानदार कवर ड्राइव बेहतरीन शॉट. चौके के साथ एक दमदार शुरुआत होती हुई इस ओवर की और इस सत्र की. वो ड्राइव करने का प्रयास था इस बार थोड़ी सी दूर रखी शायद अंपायर सहमत और लीजिए भाई पल्ले से लग कर तो गई थी लेकिन कॉट बैंड के लिए रिव्यू मिल नहीं सकता अंपायर क्योंकि स्निकोमीटर तो हमारे पास है नहीं. अब अंडरआर्म क्रिकेट इतना तो डेवलप हुआ नहीं कि स्निकोमीटर हम रख सकते हैं अल्ट्रा एज जो हमें सुनाई दे. यस बल्लेबाज को मैदान छोड़ना होगा. लेकिन वो पावर प्ले में है. राउंड द लेग साइज बार अंपायर सिग्नल वाइट बॉल. अतिरिक्त रन और अतिरिक्त रन के साथ कुल टोटल आगे बढ़ता हुआ नौ पर. नाइन रन ऑन बोर्ड लॉस ऑफ वन विकेट. फर्स्ट ओवर स्टिल प्रोग्रेस. ये अच्छा शॉट, ये बेहतरीन शॉट और लीजिए भाई अंपायर सिग्नल चौका. यही चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ कुल टोटल अब 13 पर. तेरह रन स्कोर बोर्ड पर.
बहुत तैयार संगम अगली गेंद लेकर दो गेंदे दो चौके लगाए थे लेकिन भाऊ ने लेकिन इस बार एक रन और इस सिंगल के साथ कुल टोटल 14 पर। एक गेंद अभी भी शेष हो गई क्योंकि पहली गेंद पर चौका उसके बाद विकेट फिर चौका व्हाइट बॉल चौका और सिंगल। अच्छी शुरुआत बतौर बल्लेबाज से करती हुई टीम यहां पर शुभमित गंसोली की अच्छी शुरुआत हुई। तेजी बाहरी सिरा बल्ले का और लीजिए भाई सिंगल चुरा लिया यहां से। इसी सिंगल के साथ ओवर की हुई समाप्ति पहले ओवर के बाद 15 रन एक विकेट के नुकसान पर शुभमित गंसोली। चलिए फील्डिंग लगा लीजिए तुरंत क्योंकि 4 ओवर के लिए आपको 16 मिनट का समय दिया हुआ है और पहले ओवर के लिए आपने ठीक 4 मिनट का इस्तेमाल किया। अब तक ओवर रेट आपने अच्छा मेंटेन रखा है दोस्तों। चलिए फील्डिंग तुरंत सजा लीजिए। और अब गेंदबाज राजेश गेंदबाजी के लिए आते हुए चलिए राजेश थोड़ा जल्दी करिए। हालांकि इसके बाद विनर विनर में मुकाबला खिलाया जाएगा। बाहरी सिरा बाहरी गेंद किरण एक रन यहां पर सिंगल के साथ कुल टोटल आगे बढ़ता हुआ 16 पर 16 रन अबाउट 16 रन स्कोरबोर्ड पर लगते हुए। हालांकि ये पहला सत्र इस खेल का छोड़ दिया इस बार अंपायर सिंगल व्हाइट बॉल और इसी अतिरिक्त रन के साथ कुल टोटल आगे बढ़ता हुआ अब 17 पर 17 ऑन बोर्ड 17 रन स्कोरबोर्ड पर लगते हुए। ओ यहां पर पैरों में डालने का प्रयास लेग स्टंप के बाहर शायद अंपायर्स व्हाइट बॉल बताते हुए अतिरिक्त रन और अतिरिक्त रन के साथ कुल टोटल आगे 18 पर 18 ऑन बोर्ड 18 स्कोरबोर्ड पर अब तक लगे। ऑन साइड पर थी लेकिन खिलाड़ी वहां पर थोड़े फंबल हुए। यदि पहले एक्शन में उठाकर फेंकते तो शायद रनआउट की विकेट मिल सकती थी लेकिन डॉट बॉल आता हुआ। इस बार एलिवेशन ज्यादा प्राप्त कर लिए और बॉक्स आउट के माध्यम से एक और बड़ी विकेट। सिंगल थी उसके बाद व्हाइट बॉल बैक टू बैक दो आए डॉट बॉल आई फिर विकेट मिली। तीन गेंदे तीन रन खर्च किए साथ ही साथ एक विकेट चटकाई लेकिन अब तक अच्छी गेंदबाजी नफी तुली गेंदबाजी की फायदे रहे साबित। गेंदबाजी के लिए दूसरे ओवर में गेंदबाज राजेश आते हुए फिर एक बार
ये बेहतरीन गेंद थी लेकिन ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर रख दिए भाई। यहाँ पर व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर सर करते हुए अतिरिक्त रन यहाँ से मिलता हुआ और इसी अतिरिक्त रन के साथ टोटल 19 पर ड्राइव करना चाह रहे थे इस बार खिलाड़ी वहां पर मौजूद। एक रन यहाँ पर चुरा लिया भाई। अच्छी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। चलिए समय देखिए यहाँ पर हालांकि बात करेंगे मैडी 11 विक्रोली टीम। समय के साथ आप थोड़ा कॉपरेट करिए। गेंदबाज फिर एक बार नो बॉल। अंपायर सर बताते हुए कि नो बॉल यानी नो प्लस वन, ये दो रन होंगे। इन दो रनों के साथ कुल टोटल अब 22 पर 22 22 रन स्कोरबोर्ड पर लगते हुए अब एक अच्छी स्थिति में पहले बल्लेबाजी चुनी। टॉस जीता शुभमेट गंसोली ने और टॉस जीतने के बाद हालांकि पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया। वो निकल चुके थे, बहुत बाहर निकल चुके थे लेकिन ठीक से बल्ले पर ले नहीं पाए इस गेंद को। अभी भी इस ओवर की एक गेंद शेष। सॉफ्ट हैंड से खेल कर निकाला इस बार हल्के हाथों से सिंगल के लिए। सिंगल के साथ ओवर की समाप्ति, तीन ओवर का खेल समाप्त और तीन ओवर के बाद कुल टोटल 23 रन 23 ऑन बोर्ड। दो ओवर के बाद माफ करिए 12 गेंदे और 12 गेंदों में अब तक 23 बना चुके हैं। चौबीस गेंदों का ये मुकाबला, 12 गेंदों में अब तक 23 बना चुके हैं। अब आने वाले 12 गेंदों में लगभग 20-22 भी रन बने तो एक बहुत अच्छे टोटल पर पहुंच जाएगी बल्लेबाजी करते हुए शुभमेट घनसोली टीम। टॉस उन्होंने जीता था और पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया। ओ हल्के हाथों से खेलने का प्रयास, व्हाइट बॉल, अतिरिक्त रन और अतिरिक्त रन के माध्यम से कुल टोटल आगे बढ़ता हुआ अब स्कोर आकर पहुंचा 24 पर 24 पर टोटल आता हुआ। ओ हल्का हाथों से खेलने का प्रयास था, यहां पर खिलाड़ी पहुंच चुके लेग बाइस के माध्यम से एक और सिंगल और इसी सिंगल के साथ कुल टोटल आगे स्कोर की बात करेंगे। हालांकि 25 रन लग चुके हैं स्कोरबोर्ड पर अब तक 25 ऑन बोर्ड। लॉस ऑफ टू विकेट। ऑन साइड पर खेला, शानदार गैप में दो खिलाड़ियों के बीच से लेकिन अंपायर सिग्नल बस एक रन। लिमिटेशन से यहां पर बाउंड्रीज के लिए जो ब्लैक कलर का आप लिमिट्स देख रहे हो, अगर वहां पे गेंद लगी तो चौका दिया जाएगा, उसके ऊपर से बस एक।
ये लिमिटेशन है अंधेराम क्रिकेट में, अच्छी तरह से सहलाया इस गेंद को, खिलाड़ी वहाँ पर मौजूद थे, बस एक सिंगल यहाँ पर अंकित हो गया और इसी सिंगल के साथ कुल टोटल आगे बढ़ता हुआ स्कोर मित्र में बताएंगे, टोटल अब 27 पर, 27 अबाउट 27 रन स्कोर पर। तीसरा ये ओवर, तीन गेंदों में अब तक लगभग 4 रन कर चुके हैं। निकल कर मारने का प्रयास, अच्छी फील्डिंग, खिलाड़ी मौजूद, एक रन, अच्छा रुका गेंद को, गुड स्टॉप, तेज था ये शॉट, तेज था लेकिन उसी तेजी से रुकाया इस गेंद को। अब कुछ स्कोर की बात करेंगे, हालांकि 28 रन स्कोर पर, दो गेंदें शेष इस ओवर की। ऑन साइड पर स्वीप करना चाह रहे थे खिलाड़ी वहां पर मौजूद, थ्रो देखिए कहां पर किया इन्होंने, बस एक रन मिला भाई यहां पर। देखिए एक गेंद अभी भी शेष होगी क्योंकि अब तक 5 सिंगल आई है इस ओवर में, एक अतिरिक्त रन यानी सिर्फ 6 रन बने 5 गेंदों में। और कल स्कोर की बात करेंगे, हालांकि 29 पर, शानदार गेंद, डॉट बॉल के साथ की ओवर की समाप्ति और 3 ओवर का खेल समाप्त, 3 ओवर के बाद 29 रन 2 विकेट के नुकसान पर, 29 फॉर लॉस ऑफ 2 आफ्टर 3। तो चलिए फील्डिंग लगा लीजिए तुरंत क्योंकि हमें आज लगभग 12 से 13 मुकाबले कवर करने हैं। और अब तक बात करेंगे, पहले लोकल टीम के साथ हमने खेला, 4 टीमों में 3 मुकाबले पूरे हुए, विजय 11 बनाम अनूप 11, ये मुकाबला भी हम देखेंगे, एक बेहतरीन मुकाबला होगा। और साथ ही साथ मालवन बॉयज, गणेश 11, मुकेश रॉयल, मनसी 11 बनाम साई गुरु 11 कल्याण, शानदार टीमें, शानदार मुकाबले होंगे आज। 3 ओवर के बाद कुल टोटल 29 पर, ये लास्ट कॉल होगा मैड 11 विक्रोली के लिए। चलिए फील्डिंग आप तुरंत सजा लीजिए, अब गेंदबाज आए जॉनी, व्हाइट बॉल के साथ शुरुआत की इस ओवर की, अतिरिक्त रन हासिल करते हुए स्कोर 30 पर आकर पहुंचा। रुक कर खेले, अच्छा ये शॉट बैक फुट पर आया, फोर्स किया,
चलिए देखिए टाइम के साथ थोड़ा कॉपरेट करिए, फील्डिंग आप जरूर लगाइए, लेकिन टाइम देखिए आप कितना खर्च कर रहे हो फील्डिंग के लिए। छोड़ दिया भाई इस गेंद को, अंपायर सिग्नल वाइट बॉल, वाइट करार दी जाएगी ये गेंद और इसी अतिरिक्त रन के माध्यम से टोटल आगे बढ़ता हुआ अब कुछ स्कोर की बात करेंगे। हालांकि 35 रन स्कोर बोर्ड पर लगते हुए 35 रन ऑन बोर्ड, 35 रन स्कोर बोर्ड पर अब तक लगे। ओ गिल्लिया विकेट थी भाई यहां पर, विकेटों पर जाकर लगी गेंद, बड़ी सफलता, बड़ी मछली जाल में। यस दीजिए ड्राइव करने का प्रयास था इस बार, ये डॉट बॉल, बेहतरीन गेंद, बेहतरीन गेंद थी, डॉट बॉल अच्छी गेंद थी, डॉट बॉल के साथ स्कोर रुका हुआ हालांकि अब तक 35 पर। ये डॉट गेंदें बहुत मदद करेंगी। फिर एक बार गेंदबाज तैयार अगली गेंद लेकर, ड्राइव करने का प्रयास था, हल्के हाथों से सहलाया इस गेंद को बस एक सिंगल के लिए और इसी सिंगल के साथ को टोटल आगे बढ़ता हुआ। अब स्कोर की बात करेंगे, हालांकि 36-36 रन स्कोर बोर्ड पर, अब भी अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो यहां से 40-42 तक पहुंच सकती है टीम। पर्दा जो है ब्लैक कलर का देखिए छोड़कर खड़े रहिए दोस्तों, और लीजिए भाई चौका, शानदार शॉट, लीजिए भाई एलिवेशन ज्यादा मिल गया यहाँ पर, विकेट आखिरी गेंद पर मिली विकेट और इसी के साथ पहले सत्र का खेल समाप्त। पहले सत्र के बाद 40 पर पहुंचा टोटल 40 रन, अब आने वाली 4 ओवर और 41 की जरूरत।
आणखीच पहिला षटक पॉवर प्लेचा षटक असणार आहे, हे देखील आपण नोंद घ्यायची आहे. प्रत्येक मॅच ही मात्र चार चार षटकांची असणार आणि चार चार षटकांच्या मॅचमध्ये पहिली ओव्हर मात्र पॉवर प्लेची षटक असणार आहे. मंथन यायचं आपण या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच. यापूर्वी जो सामना झाला गॅलेक्सी जोगेश्वरी, एक खरं तर सहा चेंडू एक षटकामध्ये आपण पाहिले, तर तीन धावांची गरज होती त्या रोखल्या. त्याला आपण मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार देणार आहोत. श्री साई स्पोर्ट्सच्या वतीने एक ब्रँड न्यू टी शर्ट. स्वतः शैलेश पाटील यांना विनंती, आपण आपल्या शुभाचे टी शर्ट द्यायची आहे. सुरुवात व्हाईट बॉलने, व्हाईट बॉलने सुरुवात. 41 धावांचं लक्ष आहे, 41 टार्गेट. येस, विकेटचं पतन आपण पाहतोय. फलंदाज इथे आणि दुसरा मॅचचं स्वरूप आपण बघतो, मॅडी इलेव्हन विक्रोळी विरुद्ध शुभमेट गणसोलीमध्ये. पूर्वार्धामध्ये चांगली बॅटिंग झाली आणि 41 धावांचं टार्गेट आहे मॅडी इलेव्हन विक्रोळी समोर, आणि यावेळेस थोडं लांब ठेवण्याचा प्रयत्न होता, सफल राहिला. डॉट बॉल आलाय, गुड बॉलिंग, गुड बॉलिंग. नझीर आलाय नवीन फलंदाज, नझीर स्ट्राईकवर असेल. यावेळी चांगला फटका आहे, कव्हरला फिल्डर आहे, रनआउटची संधी आहे आणि संधीचा सोनं देखील रनआउटच्या स्वरूपामध्ये. मोठा धक्का लागलाय बॅटिंग करत असताना मॅड इलेव्हन विक्रोळीला. एकेचाळीस धावांचं लक्ष आहे आणि आता अवघ्या एका धावसंख्येवर दोन विकेट मिळाल्यात. पुढे ससा ते खेळण्याचा प्रयत्न, एक सोरटी धाव आपल्याला पाहायला मिळते. सोरटी धाव इथे पूर्ण केली आणि या सिंगलने धावसंख्या आता पुढे दोन वर. सिद्धू आल्याने बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये. बॉल तयार, आदित्यला आपण पाहतो बॉलिंग ट्रॅकवर. वेगवान ड्राइव केला, ऑन ऑन साइड ला एरियल ऑन ड्राइव, पॉवर पॅक चौकार. एरियल ऑन ड्राइव आपण पाहिले अलॉंग दी कापेट. मनगटी सहाय्याचा चांगला वापर, मनगटी सहाय्यानं वळवलं गेलं चेंडूला ऑन साइड ला मिड विकेट ला. कोणतंही प्रोटेक्शन नाही आहे, फिल्डर नाही आहे, त्याचा बेनिफिट मिळालाय. चौकार आला आणि धावसंख्या चौकारनं आता पुढे झाली आहे ती टोटल सहावर. चांगला शॉट आपण पाहिला, जबरदस्त पुढे ससावला गेला, स्टेप आउट झाला आणि ऑन साईडला वळवला चेंडू. ओ ऑफ साईडच्या मध्ये फोर्स करायचा होता, नो बॉल आउट कॉल, अंपायर सिग्नल नो बॉल. आणि अतिरिक्त धावेच्या मदतीने आता धावसंख्येमध्ये भर झाली आणि टीमची टोटल आपल्याला पाहायला मिळेल ती स्कोर बोर्डवर आता 7 धावा, 7 अबाउट. 41 टार्गेट, 10.25 सरासरी प्रति षटकामध्ये तुम्हाला मेंटेन ठेवायची आहे. पुन्हा पुढे सरसावला होता षटक पूर्ण, पहिल्या षटकाचा खेळ पूर्ण, पहिल्या षटकाखेरीस धावा धाव फलकावर 7, दोन गड्यांचा मोबदला.
फिल्डिंग लावा, फिल्डिंग लावा लगेच. गती कमी ठेवण्यात आली आणि इथे फसवलं गेलं. एलिव्हेशन जास्त मी राजेश आले न्यू बॅटर. पुढे येऊन पहिला चेंडू ऑफसाईडला वळवलाय. फिल्डर समोर लॉंग ऑनला आपल्याला पाहायला मिळतात. धाव एकच मिळेल. सिंगलने धावसंख्या पुढे आता टोटल आली आहे ती 8 वर. 41 टार्गेट 41 आणि 41 टार्गेट पार करताना आता बऱ्याचशा अडचणीनं सामोरं जावं लागणार आहे. सोडून दिलं ऑफसमच्या हलकासा बाहेरून चेंडू आपल्याला पाहायला मिळाला. डॉट बॉल फोर्स केला. फटका चांगला आहे. कव्हरला फिल्डर आहेत. एकच धाव मिळेल. गुड स्टॉप. चांगलं अडवलं चेंडूला आणि खरं तर हे महत्वाचं आहे. आज फिल्डर बॉलरला इथनं सपोर्ट मिळणं खूप महत्वाचं आणि ते चित्र आपल्याला पाहायला मिळालं. चांगली फिल्डिंग झाली. धावा 9 आणि अशा प्रकारे 2 षटकांचा खेळ पूर्ण. 2 षटकांनंतर 9 धावा दा फलकावर. 9 अबाउट. मुंबईकर 9 ट्रॉफी क्रिकेटचा थरार. फटका चांगल्या गॅपमध्ये देखील आहे. जबरदस्त स्ट्रोक चौकार. बत्तीसची गरज होती चौकाराला. 28 करायचे आहेत 11 बॉलमध्ये. 11-28 पुन्हा त्याच दिशेनं यावेळी क्षेत्ररक्षक आहेत. पण एक धाव इथे मिळेल. सिंगलने काम मात्र चालणार नाही आहे तरी देखील एक या धावेनं आहे ना धावफलकामध्ये बदल तर नक्कीच होईल. धावा 14 आहेत. आता 10 बॉल आणि 10 बॉलमध्ये विजयासाठी गरज आहे ती 27 ची. ओ ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयत्न. अंपायर रिव्ह्यू. व्हाईट बॉल तर आहे. मुंबईकर
बॉल इज बॅक करण्याचा प्रयत्न, डॉट बॉल. निर्धाव चेंडू असेल. बॉलर्स बॅकसाठी आपण पाहिलं तर समोर दोन फिल्डर आहेत स्ट्रेट लॉंग ऑन लॉंग ऑफ मध्ये. ऑन साईडला बॉल आहे, चांगला फटका आहे आणि रन आउट. फटका तर चांगला होता ती. आणि अशा प्रकारे आपण पाहतोय आणखीन एक षटक पूर्ण झालंय, तिसरं षटक देखील पूर्ण झालंय. येणारे आता शेवटचे सहा चेंडू आणि 25 करायचे आहेत. 6-25 चा समीकरण. आपल्याला पाहायला मिळतं. पुन्हा एकदा सॉफ्टवेअरने खेळून काढण्याचा प्रयत्न आपण पाहतोय सिंगल लेग बायच्या स्वरूपात. याने काही काम चालणार नाही आहे, सिंगल मात्र काही इम्पॅक्ट टाकणार नाही आहे मॅचवर. आणि इथे मात्र आपण पाहतोय एक धाव मिळेल. चार बॉल ते बेशी गरज आहे. कठीण आहे इथून सामना, भरपूर कठीण आहे. पुढे येऊन खेळण्याचा प्रयत्न. एकच धाव. औपचारिकता शिल्लक आहे, फक्त औपचारिकता शिल्लक आहे. ओन साईडला बघायला पुन्हा फक्त औपचारिकता. फॉर्मॅलिटी पूर्ण होताना आपण पाहतोय. हो पुन्हा एकदा समोर येस रन आउट. याच गोष्टीचा उल्लेख केला की आता मात्र मॅचमध्ये कोणत्याही प्रकारची चुरस राहिली नाहीये. थँक्यू डी सी थांबा.